इसमें रानी रह रहा है लेकिन सोया ही नहीं। नहीं तुम अपना बेटा ले जाओ, हम तुम्हारे बेटा के साथ में नहीं देख पा रहे। जिया मेरे पे गई है, मन हुआ तो खूब काम कर लेने जरूर बैठे रहे। हमें भी सुनती है, मैं आती हूँ लड़ा के चली जाती हूँ। इसलिए बोलिए इस बार तुमने नहीं किया तो कभी भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम लोग जम्मू जाओ कि अमेरिका जाओ, हमारी माता यही रहती है जहाँ मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर शाम का खाना लग गया है जी, तो यहाँ पर खाना चल रहा है और खाने में आज है कटहल की सब्जी और साथ में है आलू परवल का भुजिया और साथ में है करेले का भुजिया और साथ में चोखा और चावल। तो चावल तो हम लोगों के यहाँ एकदम कंपलसरी है दिन के समय में। और क्रियांश को कार्टून लगाया गया कि थोड़ा बिजी रहे, लेकिन बिजी इसमें रहने रह रहा है लेकिन सोया ही नहीं। हाँ तो इसको कुछ देर में सुलाया जाएगा और मम्मी यहाँ पर इंतजार में बैठी इंतजार कर रहे हैं कि बहू उठेगी तो थाली ले जाएगी, तब तक मेरा हाथ सूख जाता लेकिन मैं इंतजार करती हूँ। चलो कोई बात है, तुम तब तक अपना इंतजार करो। और क्रियांश के इधर दूध भी लगना है क्या? तुम पंचायत उसको लगा रहे हो, फिर यहाँ का पंचायत कौन? तो पंचायत का नया सीजन आ गया है जी, पहला दूसरा सीजन सभी लोग देख चुके हैं घर में। और इसलिए लगा दो जल्दी हमको, जब तक तुम लोग तुम्हारा बेटा सोएगा तब तक यहाँ हम देख के बैठे रहेंगे। चलो बढ़िया, हम तो इसी को साथ में लेकर के देखते हैं क्रियांश। नहीं तुम अपना बेटा ले जाओ, हम तुम्हारे बेटा के साथ में नहीं देख पाते। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाय बन गया और मम्मी इधर बैठ के चाय पी रही है और इधर बना रही है प्याज का पराठा। प्याज का ही बनाएगी ना मम्मी? प्याज का पराठा बनेगा वो डैडी के लिए, क्योंकि उनको प्याज के पराठा देंगे, नहीं तो बहुत बेचारा आलू पराठा खाएंगे, नहीं तो रोटी खाना पड़ेगा उनको। सूखा देकर आलू बने उबाल? हाँ उबाल दिए, क्यों नहीं खा सकते? एक टू भी खा लेंगे। हाँ खा लेंगे लेकिन हम मन भर खाएंगे, अलग कर दिए जो कि थोड़ा सा अलग कर देंगे तो खा लेंगे प्रेम से। और मान लीजिए ये सोनुआ का बहुत था, जिसको सोनू बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं, उनका बहुत मन उसको था पराठा खाने का मन था, लेकिन गर्मी इतना था जो उसमें पराठा खा नहीं सकता आदमी, अब बनाने वाले के सोच ही सकते हैं। लेकिन आज मौसम ठंडा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि उसके लिए बना दे, तो जिया कहती मेरे लिए नहीं बनाई, आप लोग को भी बुरा लगता बेटा दी बहू नहीं दी, इसलिए हम सोचे ठंडा के इंतजार कर लेते थोड़ा सा, उसके बाद बना देंगे। हम किसी चक्कर में नहीं रहते, मेरे साथ सिर्फ रोटी सब्जी खाइए, आराम से रहिए, आराम से रहिए। एक रस वाला सब्जी, एक भुजिया, रोटी सब्जी, एक गिलास दूध, सीजनल फल, मेरा खाना यही है। और हम चाउमीन डोसा और बर्गर नहीं लगते हैं। हमारा जो आदत है जिया मेरे पे गई है, जो मन हुआ तो खूब काम कर लेने जरूर बैठे रहे, इसके लिए दीदी हमेशा कहती थी वो बनना चाहिए, डांट सुनती है, हमें भी सुनती है। लेकिन हम अपनी मम्मी से भी डांट सुनते थे तो माँ से सुनते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसकी आदत हो गई। गरम है बेटा, कढ़ाई ही खाएंगे। क्या पराठा? पराठा तो खा रहे तुम, तब जरी पकौड़ी कचौड़ी आए। हाँ पंखा पंखा, कभी सुबह के बस रेन रहो और क्रियांश सो के अभी उठाए। क्रियांश इधर देखिए, हाय करिए, हाय, समझ गया पापा जा रहे हो ऊपर दौड़ के भाग रहे हो। और इधर आओ, सुनो मेरी बात, सुनो, ऐसे इतना ले ऊपर जाऊं कि मुझे सिलाई करनी है, कि दीदी समझ रहे हैं कि क्या करेगी, इसलिए मैं जा रही हूं अभी सिलाई करने। हाँ, सावित्री का ब्लाउज थोड़ा थोड़ा सिलती हूँ, दीदी को देखती हूँ तो सिलने लगती हूँ, फिर मैं बात में लग जाती हूँ। दूसरी बार मिलेगा भी नहीं मम्मी को ब्लाउज, हाँ ये बताइए, डर से मम्मी जा रही है। पूरे जमाते हैं तो कहते तुम दो चार ब्लाउज सिल देना,
जब मैं आती हूँ तब लड़ाई चली जाती है। इसलिए बोलिए इस बार तुमने नहीं किया तो कभी भी नहीं देंगे तुम्हें। और यहाँ पे क्रियांश का टॉय देख सकते हैं, इधर 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 क्रियांश, इधर फिर टॉय और इधर क्रियांश। ऐसे ही पूरा बिखेर के रखता है ये लड़का। ये लड़का जो है आपको मासूम जो लगता है, ये मासूम है नहीं, गुंडा हो गया ये। तो यहाँ पे मम्मी जो है कद्दूकस कर रही है आलू आलू को। और क्या बोल रहे थे माँ उसको? बोले क्या जो कि हम लोग चलेंगे भारी जी, एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो वो बोले नहीं हम मरवा देंगे, वो बोला बाबा बहुत बढ़िया सुनने चाहिए आंकड़ा, भोला बाबा बहुत बढ़िया सुंदर है, बहुत बढ़िया। हम बोले भोला बाबा कतो का खड़ा हो, जब भोले बाबा छे तो सगरे बढ़िया छे। तो यहाँ पे आज बनने वाला है मम्मी के हाथ का एकदम स्पेशल आलू का पराठा। हम तो बाबा वैद्यनाथ बाबा वासुकीनाथ दो को मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर, और हम तुमसे यही डिमांड करते हैं हमको जितना भी लोकल शिवलिंग सब घुमा, हर जगह हम पूजा करें। ठीक है, निभा दी हमारी स्टाफ है बीओ साहब गोलपारा बीओ निभा देवी, और मेरी जेठानी भी है और मेरी सहेली भी है, मेरी दीदी भी है। तो वो जितना भी शिवलिंग है लोकल जहाँ हर जगह निभा दी जाना ही चाहिए। अगर आपको समय मिलता है तो आप घूमिए फिरिए जरूर, इससे और भी मन लगा रहता है। हमको धीमेश्वर जाना है हमेशा, बाबा बैद्यनाथ बाबा वासुकीनाथ राजेश्वर देवन बाबा सिंहेश्वर बदनेश्वर बरनेश्वर, उसके बाद तुमको यहाँ भारीडी मड़बा भोला बाबा बहुत सुंदर। तो मड़वा से कौन 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 मड़वा मंदिर गए हैं, कितने लोगों को पता है कि वहाँ के बाबा बहुत सुंदर है, कमेंट में बताइएगा। मम्मी तो नहीं गई है, हम नहीं गए, नहीं हम 450 वर्ष सुने हैं जैसा 450 वर्ष पुराना शिवलिंग। हाँ वो तो है ही, स्थापना जो हुआ है मधु चलो जय मंगला स्थान है वहाँ पे, वो देखेंगे। एक बार वैष्णवी माता को देखेंगे बरहिया में, माता वैष्णो जो वहाँ जम्मू में यहाँ बरहिया में। जम्मू में तो क्रियांश का मेरा वो मन्नत मांगा हुआ है, एक ही आदमी का स्थापना किया हुआ। तुम लोग जम्मू जाओ कि अमेरिका जाओ, हमारी माता यही रहती है जहाँ मैं रहती हूँ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी चल रही है क्रियांश की गर्मी छुट्टी। जी हाँ, आप जो छुट्टी सबकी बात करेंगे तो मतलब अपने बेटे की छुट्टी की बात करेंगे, क्योंकि उसका भी स्कूल सब अब चालू हो गया है ना। तो 3 दिन अपना गया, उसके बाद जो है स्कूल में छुट्टी हो गई। अभी दादी को रिटायर करके उसकी छुट्टी करो के बाद सदा के लिए छुट्टी, सदा के लिए छुट्टी है। बाबा का कोर्ट कब बंद होगा इसकी हमको हम लोग को इंतजार है, और मेरा पोता का स्कूल कब बंद होगा उसका इंतजार है। बिल्कुल, इसी के अनुसार हम लोग का कहीं का प्रोग्राम होगा। उसी के अनुसार हम लोग अभी वर्तमान में सोचते हैं एक दिन हम लोग गंगा स्नान करके नरकटिया में भोलेनाथ मड़वा वाले को जल चढ़ा दे। बिल्कुल चलो, मना बोली किया शनिवार रविवार को जा सकते हैं, मना बोली जो मड़वा को बोला बहुत सुंदर है, तो बोले खराब कहूँ के बोला। तो लग गई है जी बहुत ही तेज भूख, और हम आए हुए हैं किचन के पास। क्रियांश को तो दादी लेकर के चली गई, क्योंकि इतना बदमाशी यहाँ कर रहा था कि किसी को जो है खाने नहीं दे रहा था। आराम से कोई दिक्कत नहीं, आटा भी लगा कोई दिक्कत नहीं, खा ले। और यहाँ पर जो है जी बन रहा है पराठा, तो प्याज का पराठा आलू का पराठा वेरायटी वेरायटी का यहाँ पर बन रहा है, और बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो है हमको खीर भी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर पूरी और पराठे के साथ हमको खीर नहीं मिलता है तो लगता है कि वो अधूरा बनाया गया है। ये हो गया कचौड़ी हो गया, ये मेरी बहन को पसंद है इसलिए अपने बहन के लिए बना। अच्छा आलू पूरी है, यह नहीं चूल्हा भी जला, नहीं जल रहा नीचे, चलो हाँ जल गया जल गया, चलो ठीक है तो जल्दी से मेरा भी लगा दिया, भूख लगी है बहुत तेज। और अच्छा। ये लड्डू का मामा है, लड्डू के लिए जब ये पराठा बनता है आलू का, लड्डू उठता ही नहीं है, चाहे 4-5 खा लेता।